ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान रामेश्वर की स्थापना हो रही है, सभी एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। हेलो, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। कपूर गोरम करुणावतारम संसार सारम मृदुलेन्द्रहारम सदावसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितां नमामि भवं भवामि सरितां नमामि। पूजन उपचार वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। स्थापना भी कर दी, अब हमें पुल पार कर लंका के द्वार पर चलना चाहिए। जो आज्ञा भगवान। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पापियों के नाशिको। करेंगे धरती ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा काम नहीं विश्राम का, काम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेंगे जिसका
मंत्र वयम रक्षाम का समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का रावण के संग्राम का पाप अनाचार में पाप अनाचार में घोर अंधकार में घोर अंधकार में पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जले एक नई ज्योति जले श्री राम जी की सेना चली श्री राम जी की सेना चली मार्ग अपनाना चाहिए। आपके सर्वसम्मत सुझाव पर हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। लंकापति तो चुपचाप बैठा है, क्या मालूम उसने क्या सोच रखा है। हम तो उनके घर के बाहर आकर बैठ गए हैं, परंतु उनके दल से कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। क्या मालूम दशकंदर के मन में क्या छुपा हुआ है। हे भगवान, रावण भी एक महान राजनीतिज्ञ है। उसके दरवाजे बंद देखकर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह चुपचाप बैठा होगा। वह भी अपने सभा सचिवों से विचार विमर्श करता ही होगा। फिर वीर लोगों की नीति भी यही कहती है, हमें दुश्मन को सोचने समझने का पूरा अवसर देना चाहिए। हमें अपना दूत भेजकर एक बार उसे सावधान कर देना चाहिए। वह भी दुश्मन के मन को चाह लगाकर वहां का भेद ही बता देगा। आपने ठीक ही कहा है। हे महानुभाव, यह बात तो ठीक है कि दूध भेजा जाए, परंतु यह बात ठीक नहीं है कि फिर हनुमान को ही भेजा जाए, क्योंकि दशीश यह समझ बैठेगा कि उनकी सेवा में बस बजरंगी के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए यह बार बार आता है, इसे ही आप नीति मानिए और युवराज अंगद को जो कि योग्य हैं मानकर भेजना उचित है, समझिए। जय श्री राम। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। हे युवराज अंगद, हम आपको अपने पुत्र के समान समझते हैं और हमारे लिए आप उतने ही प्रिय भी हैं। अतः आपको दुश्मन के घर में भेजने से डरते हैं। किष्किंधा के युवराज को दूत का कार्य देना भी उचित नहीं। तुम तो सेना का संचालन कार्य ही करें, वही उसमें उत्तम कार्य है। हे कौशल राज, आप तो मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए। हे प्रभु, फिर किस बात का डर, फिर किसी बात का भय सेवक आनंद को नहीं रहेगा। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह चलकर लड़े रसातल तक, मुझे उसका भय नहीं। उदयाचल से अस्तांचल तक निश्चित
चिट्ठी धाक जमा दूंगा मैं लंका की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। ढंग से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, कुछ घटता कुछ मान नहीं। मैं भी हनुमंत के समान सेवा करने को उत्सुक हूं। हे मेरे सर्वेश्वर आज्ञा दे, मैं लंका जाने को उत्सुक हूं। अंगद के यह वचन सुना मुदित और हम तुम्हारे लिए मंगल कामना करते हैं। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति सबल समर्थ तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना, फिर भी इतना तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। जय श्री राम। मंद मंद हंसने लगे राम चंद्र रघुराय, अंगद को भी दा करने उठा कीश समुदाय। जय श्री राम। तुझे अभी स्वाद चखाऊंगा मैं। जाओ अपने महाराज से जाके कह दो कि लंका पे राम दूत अंग्रेज आया। हेलो, ये व्हाइट कलर में आप नजर आ। बताओ तुम्हारे यहां आने का क्या कारण है? हे दशाशीष, अभी आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं सिलसिलेवार उनका उत्तर देता हूं। हे महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज वानर का हूं।
मेरे पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। हे अंगद, तुमने जो नाम लिए वह राम और वाली कौन है? मैंने इनका नाम पहले कभी नहीं सुना। हे महाराज, हो सकता है आपको मेरे पिता ने जब 6 माह खाक में दबाकर रखा था, इसलिए मूर्छित हो जाने के कारण आप उस बात को भूल गए, परंतु आप अपनी नकटी बहन शूर्पणखा को तो रोजाना देखते होंगे, क्या वो बात भूल गए? आपको उन राम जी की याद नहीं आती है? अब आप जान गए होंगे कि राम राजेश्वर कौन है। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि सभी उनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधा समझाने आया है। क्या तू ही है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या यदि तेरा गर्व नष्ट न होता तो होता आज आकाश नहीं, तपसी का दूध कहने में आती तुझको लाज नहीं। हे अंगद, यदि वास्तव में अपने कुल का गौरव बढ़ाना चाहता है तो मुझको अपना राजा मान और कल से मिलंका का सेनापति बन जा। हे दशशीष, वाह, क्या तुम्हारे राज्य में कोई योद्धा नहीं जो लंका का सेनापति बन सके? और तुम मुझसे कहते हो मैं भी इस योग्य नहीं, मैं तो एक बालक हूं, इसलिए श्री राम ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। वैसे तुम चाहो तो सेनापतियों के ढेर तुम्हें रामादल में मिल जाएंगे। एक सेनापति की क्या बात करते हो, परंतु मैं सोचता हूं उनमें से एक तुम्हारे राज्य में आकर सेनापति नहीं बनना चाहेगा। हां, एक योग्य था, वह भी तुम्हारा भाई विभीषण, और वह भी रामा दल में चला गया। अब संभल जाओ, श्री रघुवीर अब लंका के बाहर अपने तंबू खड़े कर चुके हैं और इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर देंगे। वो इतना प्रण ले चुके हैं। हे बंदर, अधिक बड़ा चढ़ाकर बात मत कर, यह प्रण नहीं केवल बकवास है। अब यदि विभीषण एक निशाचर उसके पास है तो
तो यह पृथ्वी निशाचरहीन कैसे होगी? हे वानर, यदि तुम्हारे तपसी राजा मुझसे संधि करना चाहते हैं तो पहले विभीषण को मेरे पास भेज दे, वो मेरे चरणों में सर रख दे, फिर समुद्र पर बांधा पुल तोड़ दे ताकि कोई लंका में आ न सके, और हनुमान को मेरी सेवा में भेज दे, उसने बहुत उत्पात मचाया और हमें बहुत अपमानित किया है, और राम लखन दांतों में घास का तिनका दबाकर मेरे पास आकर माफी मांगे, फिर मैं संधि का प्रस्ताव पर विचार कर सकूं। रावण की यह बात सुन हुए बाल सुत लाल, फिर भी बोले पूर्व सभा क्रोध की जाल। हे रावण, मैं राम का दूत हूं और दूत को स्थान नहीं दिया आपने, दूत को सम्मान बिठाकर बात करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं मेरे बैठने का स्थान बनाऊंगा। जय श्री राम। बस यही या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है, मैं उनसे कह दूंगा ये बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा वह उसे भी तोड़ डालेंगे, लंका का मान विभीषण है उसे भी लंका भेज देंगे, हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, एक हुई सबसे बड़ी हानि वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर पर जाओगे तब तब नजरों में आएगी कि सुरफणका की कटीना किस तरह से जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। हे वानर, मौन हो जा। रावण से रण में लड़ने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है, तेरा स्वामी तो नारी विरह में पागल हो गया है, और उसका छोटा भाई बड़े भाई के दुख से दुखी है। तुम वानर तो सब मूली गाजर के समान हो, सुग्रीव तो नदी के किनारे पेड़ के समान है, कभी भी ढह जाएगा।
किस जामवन पर तुम फले फूले समा रहे हो, वह तो बुढ़ापा देख रहा है। और नलनील तो शिल्पी है, वह लड़ना क्या जाने। और उस कुलद्रोही विभीषण को लड़ना आता तो लंका छोड़ के क्यों जाता। कुछ है तो वह एक ही है जिसने मेरी लंका को जलाया है। हे दशाशीष, यह क्या कह रहे हो? उस वानर ने सही में लंका जला दी? वह युद्ध करना क्या जाने, वह तो यूं ही पूछ घुमाया करते हैं, वह तो भाग दौड़ में नामी है, वो तो चिट्ठियां इधर उधर करते रहते हैं। हनुमान जी सौंपे हुए सभी काम पूरे नहीं करते हैं, इस कारण शर्म के मारे भाग गए हैं और वह मुंह छुपा के फिर रहे हैं। हे वानर, तुझको यह ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं। मेरे काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजा ने कैलाश पहाड़ उठाया है। इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसे योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। हे रावण, तुम भी धन्य हो, अपनी बढ़ई अपने आप कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हे राक्षस राज, जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है वो कर नहीं सकता। एक रावण कभी पाताल गया था, राजा बलि के बल को नापने, तो पाताल में छोटे छोटे बच्चों ने पकड़कर उसे बांध दिया था। तब बाली ने उसको छुड़ाया था, फिर सहस्त्र बाहु ने भी। एक रावण की क्या हालत की थी, और अभी अभी जो धनुष यज्ञ हुआ उसे आप भूले नहीं हो? हे दशाशीष, क्या आप वही रावण है? हे अंगद, अपना उपदेश बंद कर, नहीं तो काल के काल में सुला दूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात, तुझे शोभा नहीं देता। जब दिन मरने के आते हैं तो अत्यल्प अल्प आयु रह जाती है, बुद्धि निपट उल्टी होकर जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया, अब अंतिम दिन आने वाले हैं। हे दो चार दिनों में रावण, तू इस जग से ही जाने वाला है। रावण, अपनी रानियों से जाके तो पूछ लो और निश्चित कर लो कि तुम्हारे साथ कौन कौन सती होगी। हे दुर्बुद्धि वानर, ये घनघोर बादल मैंने बहुत देखे हैं, ये उमड़ते मोर मैंने बहुत देखे हैं, ये दरिया ये नाला
दरिया से कहता है कि तू मरना छोड़ दे। जो सेवक अपने स्वामी की निंदा सुनता रहता है पापी है, पाप का भागी है। मुझे यह पाप मेरे सिर पर नहीं लेना है और इस दशीष को पाठ पढ़ाना है। जो सेवक अपने बाणों से स्वामी की निंदा सुनता है, जय श्री राम, परिहार नहीं करता है, वध का पातक लगता है। या सोच धरणी पर कर मार, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अखिलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी अबला तू चली नहीं। अंदर को पकड़ कर बांधो और गर्म गर्म सलाखों से गोद दो, फिर उन दोनों वनवासी लड़कों को पकड़कर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे नहीं हो तो मेघनाथ तुम भी स्वयं जाओ। ए झूठे नारी चोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दिखला दे तुझे। आंखों से देखा चमत्कार वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। जय श्री राम। बस बस बंद कर अपनी बकवास। आगे अगर आगे कुछ बोला तो तुझे मार डालने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे? फिर किस लिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर मेल करे? तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चय हाथी है। तू मत कर जान की सी बातें, जान की जान की साथी है। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं किस में कितना बल है। यह का कर ध्यान शक्ति का कर अंगद जी पाव जमाते। क्षण भर में पाव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल। गरज बाल सुत भोल उठे वा आ जाए जिसमें बलो।